हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौरव ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, इसलिए घिनौना होने के बावजूद पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा। चलिए बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच। देखिए, क्लासिफिकेशन की जब आप बात करते हो तो आप देखते हो जो हमारा कॉकरोच है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। इसकी सब फाइलम है मैंडिबुलेटा और क्लास है इंसेक्टा। सब क्लास है इसका टेराइगोटा, ऑर्डर बन जाएगा ऑर्थोप्टेरा, जीनस पेरीप्लैनेटा एंड स्पीशीज वुड बिकम अमेरिकाना। तो साइंटिफिक नेम हो गया बच्चों पेरीप्लैनेटाना अमेरिकाना, अंडरलाइन करना भूलेंगे नहीं। हैबिट की बात समझते हैं। दे प्रीफर ए डैम्प एंड वार्म ह्यूमिड प्लेस। नॉक्टर्नल एनिमल है, ओमनिवोरस है, मतलब जो भी दोगे बेचारा खा लेगा। कर्सोरियल इट मींस अ फास्ट रनर। जो कॉकरोच होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, और डायोशियस मींस यू विल फाइंड अ डिस्टिंक्ट मेल एंड अ डिस्टिंक्ट फीमेल। शेप साइज की बात करते हैं, जो बॉडी है हमारे कॉकरोच की इट इज नैरो एंड एलोंगेटेड। अगर लेंथ और विड्थ की बात करोगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है और रफली 1 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब आपने आपके 4th चैप्टर में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा में कि ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, तो इनके ऊपर एक हार्ड प्रोडक्टिव एक्सोस्केलेटन होता है जिसके ऊपर एक लेयर होता है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल, है ना। एक्सोस्केलेटन जो इट इज अ ब्राउन कलर्ड एक्सोस्केलेटन और बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी हुई है, तो हर सेगमेंट के अंदर आपको 4 स्क्लेराइड्स देखने मिलते हैं, कवर देखने मिलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेराइट। तो 4 स्क्लेराइट में से 2 लेटरल में आते हैं जिनका नाम है प्लूराइट्स, 1 डॉर्सल में होता है जिसका नाम है टर्गाइट और 1 वेंट्रल साइड में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टर्नाइट। तो बेटा आप लोग खाली वीडियो देखो मत, साथ साथ में नोट बनाते जाओ, बहुत काम का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा सेगमेंट्स थे, तो जो दो अल्टरनेट सेगमेंट्स रहेंगे वो जॉइंट होते हैं बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। इसकी बॉडी को 3 भाग में बांटेंगे हम लोग, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं हेड के बारे में। तो एज वी नो, इनका जो हेड होता है ये जो है बेटा, मतलब बड़ा घिनौना सा दिखता है यार, आई डोंट नॉट नो मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ ये। ठीक है, जो हेड है इट इज अटैच टू द राइट एंगल, बॉडी के राइट एंगल में अटैच होता है ये और बनता है बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। इसके पास होती है एक फ्लेक्सिबल नेक जिसके वजह से हमारा कॉकरोच जो है वो किसी भी दिशा में देख सकता है। इस हेड में आपको अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई देखने मिलता है जिसकी यूनिट को कहते हैं ओमेटीडिया और इससे एक मोजेक विजन मिलता है। आप देख सकते हो इमेज में मोजेक विजन कैसा होता है। आगे, इट हैज अ पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना जो होता है वो पैर में होता है, अराइज करता है, इट अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनियस सॉकेट विच इज लाइंग बिलो ईच आई। हर आंख के नीचे होते हैं मेम्ब्रेनियस सॉकेट जहां से ये एंटीना अराइज होते हैं। इसके 3 भाग हैं, जो सबसे नीचे होता है वो स्केप, फिर पेडिसल और सबसे ऊपर का भाग होता है फ्लैजुला। एंटीना जो होते हैं इट बेयर सेंसरी रिसेप्टर, तो इसको पता चल सकता है कि आजू बाजू में क्या कहानी घट रही है। हेड जो है उसके अंदर माउथ देखने मिलता है आपको जिसके 6 पार्ट होते हैं, एक लैब्रम, अपर लिप बोलते हैं उसको, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिला एंड लैब्रम। एक 6 के अंदर एक टंग जैसा स्ट्रक्चर घुसा होता है जिसको बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स। तो देखिए ये लॉन्जिट्यूडनल बॉडी हो गया और इसके साथ में राइट एंगल पर अटैच हुआ है अपना हेड बाय मीन्स ऑफ नेक। चलिए अब हम समझेंगे थॉरिक्स। थॉरिक्स जो है देखो वो इट इज जॉइंट टू हेड बाय फ्लेक्सिबल नेक। थॉरिक्स के हैं 3 भाग, कौन कौन से, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड अ मेटाथोरिक्स। अब 3 सेगमेंट थे थॉरिक्स के, इन तीनों ही सेगमेंट में से एक एक पेयर ऑफ लेग्स अराइज होता है। ठीक है, तो ईच सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग और क्योंकि 6 लेग हो जाएंगे टोटल तो वी कैन कॉल इट एज अ हेक्सोपोडा ऑल्सो। फिर हमने ये भी देखा था कि कॉकरोच के ऊपर पंख होती हैं, तो 2 पेयर ऑफ पंख होते हैं उसके पास में, एक जो अपर होता है वो होता है टेगमीना या फिर एलाइट्रा, इट इज डार्क, ओपेक एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसने जो हाइंड विंग्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखा होता है, कवर किया हुआ होता है। मेटाथोरिक्स से अराइज होते हैं हाइंड विंग जो ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनियस है और अचानक से हमारे कॉकरोच उड़ने लग जाता है यार, तो ये जो उड़ता है ये उड़ता है इस हाइंड विंग के मदद से। थॉरिक्स ये होता है 3 सेगमेंट का बना हुआ, जबकि का एब्डोमेन जो होता है उसके अंदर होते हैं 10 सेगमेंट, तो 10 3 यहां पर और 6 ऊपर, लगभग 19 सेगमेंट्स होते हैं यहां पर। ठीक है, एब्डोमेन में बात कर रहा हूं फीमेल की। इसका जो 7th सेगमेंट होता है वो स्टर्नम जो रहेगा उसका नीचे के साइड का भाग थोड़ा सा बोर्ड शेप्ड होता है,
ये 7th, 8th और 9th सेगमेंट मिल करके बनाते हैं जेनाइटल पाउच फीमेल का। इस जेनाइटल फीमेल पाउच के एंटीरियर एंड पे आगे के हिस्से में क्या देखने मिलेगा आपको, गोनोफोर्स स्पर्मेथिकल पोर कोलेटरल ग्लैंड। फीमेल की बात थी, मेल की बात हो रही है। ओके, इट विल हैव अ जेनाइटल पाउच जो डॉर्सली हैंग कर रहा है 9th और 10th टर्का के बीच में, और वेंट्रली ये है 9th स्टर्ना में। इसके जेनाइटल पाउच में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, एनस, जेनाइटल पोर, इसके अलावा यू विल फाइंड गोनेपोफाइसिस। मेल के 9th सेगमेंट में देखने मिलता है एनल स्टाइल, जबकि का 10th सेगमेंट मेल और फीमेल दोनों में ही होते हैं एनल सर्जरी। सो दैट इज इट गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ दैट्स द केस, प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, एंड थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।